हेलो अस्सलाम वालेकुम फिरोज भाई, खैरियत है भाई? तबीयत जी हाँ, वगैरह अच्छी लगे है साहब आपकी? जी हाँ, हाँ 2 मिनट बात करना था भाई। बोलिए। अपने हैदराबाद में माफिया चंदा बहुत सारा था, गरीब आवाम को ठहरा के बीच के चंदे चोर लोग लाखों रुपए अड़प ले रहे। फिरोज भाई, तो लोग फिरोज भाई से क्वेश्चन पूछो बोल के अपने बात रखा था, इसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, आप वापिस आप बोलिए, क्या क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? क्योंकि फोन मेरा अच्छा कटरा था, हाईवे पे हूँ, कटरा था। बोलिए। हाँ, अच्छा हैदराबाद में अपने माफिया चंदा चल रहा था, चंदे का लोगा माफिया कारोबार, माफिया चंदा मतलब गरीब आवाम को। चंदा। जी हाँ, आवाम ओके। हाँ को जो परेशान है, अपील कर रहे लोग लाखों रुपए डाल रहे लोगों को, मगर जो आवाम को है तो अपन ये लोग क्या करे, जो अपील कर रहा बेचारा उसका ये अकाउंट नंबर जा रहा, गरीब का अकाउंट नंबर नहीं जा रहा। अब उसमें से जी 1 लाख 2 लाख 3 लाख बड़े बड़े लोग पैसे डाल दे रहे आवाम में, मगर गरीब को बराबर। हक नहीं मिल रहा। फिरोज भाई, अब इससे कोई भी क्या कर सकता, अपनी कॉन्शियस अपनी जमीर की बात है वो। जी जब गरीब के नाम पे पैसा कलेक्ट हो रहा और गरीब तक नहीं पहुंच रहा, तो बस उसको आंसरेबल तो अल्लाह है उन्हें, और उसका कॉन्शियस, जब उसका जमीर मर गया तो अपन क्या कर सकते, बोलिए। आज वो लीडर, ये आज जो जो चला रहे जीएमसी वाले, 50-50 लाख की गाड़ी में फिर रहे, दुनिया के प्रॉपर्टियां है, सब तो गरीब का हक मारे साहब। ना कुछ भी नहीं थे पहले, खाली गरीब को 400-500 रुपए दे के ठहरा दे रहे, कंट्री दुबई अमेरिका से पैसा आ रहा था। सुनिए आपकी बात से मैं सहम आप सुनिए आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और मैं इसके लिए आपको एक बात बोलूँ, जी अगर से वाकई में अगर से गरीब को ठहरा के गरीब को हक नहीं मिल रहा, मैं से 3-4 गरीबों को लेकर आओ, मैं क्या बोलते हैं, केस बुक करा देता हूँ, नॉन बिलेबल केस जी साहब, अच्छी बात है। ला फिर लीजिए आप। जी साहब, 2-4 गरीब जो भी जिसको भी ला शो करके पैसे मंगाए, जी आप वैसे बंदों को मेरे सामने ला दीजिए, मैं आपको वादा कर रहा हूँ नॉन बिलेबल केस में बुक करवा देता हूँ। अच्छी बात है फिरोज भाई, चलो इंशाल्लाह आप बोले ना फिरोज भाई। ठीक है, ओके, चलो डन शुक्रिया, डन। अल्लाह थैंक यू। हाफिज़। अल्लाह।